أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. कहा जाएगा उस दिन, ये गोया कि यहां महजूफ है, ऐ जिन्नों और इंसानों की जमातों, क्या तुम्हारे पास नहीं आ गए थे रसूल तुम ही में से. अब चूंकि दोनों को जमा करके कहा जा रहा है तो जो इंसानों में से रसूल हैं गोया के वही जिन्नात के लिए भी रसूल हैं. तकुस्सुना अलैकुम आयाती, जो सुनाते थे तुम्हें मेरी आयात, वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें खबरदार करते थे, बाखबर करते थे आज के इस दिन की मुलाकात में, मुलाकात के बारे में. कालू शहीद ना आला अनफुसना, वो कहेंगे कि हम खुद गवाह हैं अपनी जानों पर, और आला हम अपनी जानों के खिलाफ खुद गवाह हैं, हाजिर हैं. वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उन्हें धोखे में डाले रखा दुनिया की जिंदगी ने. वो शहीदु अला अनफुसहिम, और वो खुद गवाही देंगे अपने खिलाफ, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि वो यकीनन कुफर की रविश पर चलते रहे. कुरान मजीद में ये जो मैदान हश्र के मुकालमात हैं वो मुख्तलिफ किस्म के आए हैं, और मालूम होता है कि बहुत से मराहिल होंगे. किसी मरहले में कुछ लोग होंगे जो साफ इनकार भी करेंगे, हम पढ़ चुके हैं, वो कहेंगे फलम तकुन फितनतुहुम इल्ला कालू, उस वक्त कोई चाल नहीं रहेगी कि मा कुन्ना मुश्रिकीन, हम तो मुश्रिक नहीं थे. तो ये मुख्तलिफ मवाक़े हैं, मुख्तलिफ गुरोह हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, इसलिए इनमें यह नहीं समझना चाहिए कि कोई तजाद है, बल्कि यह कि मुख्तलिफ मवाक़े पर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो बात होगी उसको बयान किया गया है. ज़ालिका अल्लम यकुन रब्बुका मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन वाहलुहा गाफिलून, ये इसलिए कि आपके रब की ये सुन्नत नहीं है कि वो बस्तियों को बर्बाद कर दे ज़ियादती और जुल्म के साथ, जबकि उसके रहने वाले अहलुहा वहां के लोग बेखबर हों. इससे मुराद ये है कि जब भी रसूलों को भेजा गया और उन्होंने कौमों को खबरदार कर दिया, इंजार और तस्कीर और तबशीर का हक अदा कर दिया, फिर अल्लाह का अजाब आता था. यह नहीं कि अचानक उन पर बस अजाब टूट पड़ा, बल्कि अल्लाह ताला वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, ये सूरह बनी इसराइल में कायदा कुल्लिया बयान हुआ है कि वो अजाब इस्तीसाल के जिससे किसी कौम की जड़ काट दी जाए, नसीह मनसिया कर दिया जाए, वो किसी रसूल की बेसत के बगैर नहीं भेजा जाता था. रसूल को भेज देते थे, वो हक का हक होना, बातिल का बातिल होना बिल्कुल वो बरहन कर देता था, फिर भी जो लोग अड़े रहते थे तो फिर उनको नसीहत मनसिया किया जाता था. वले कुल दरजात मिम्मा आमिलू, और हर एक के लिए दरजात हैं, मकामात और बरातिब हैं उनके अमल के एतबार से. जाहिर बात है कि नेकोकार भी सब एक जैसे नहीं और बदकार भी सब एक जैसे नहीं. वमा रब्बो का बेगाफिल लम्मा या अमलून, आपका रब बेखबर नहीं है, गाफिल नहीं है उससे कि जो ये कर रहे हैं. वह रब कल गनी जुल रहमा, और आपका रब तो गनी है, उसे किसी को अजाब देकर कोई उसको फायदा नहीं, और किसी की बंदगी से और इताअत से उसका कोई रुका हुआ काम नहीं है कि जो बन जाएगा, वो तो गनी है. जुल रहमा रहमत वाला है. इन यशा युज़हिबकुम, और उसकी शान यह है कि वो चाहे तो तुम सबको ले जाए, खत्म कर दे. वो यस्तख्लिफ मिन बादिकुम मा यशा, और तुम्हारे बाद जिनको चाहे भी ले आए, एक नई मखलूक ले आए, एक नई स्पीशीज ले आए, एक नई नस्ल आदम पैदा करते. अल्लाह का इख्तियार मुतलक है. कमान शाकुम मिन ज़ुर्रियत कौमिन आखरीन, जैसे कि तुम्हें उठाया है किसी और कौम की नस्ल में से. कौम आद थी अरब में बड़ी जबरदस्त, लेकिन जब उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया तो उन्हीं में से जो लोग चंद साथी अहल ईमान थे हजरत हूद के, वही लोग वहां से हिजरत करके चले गए, और उनके जरिए से फिर समूद की कौम जो है वो उन्हीं के जरिए से वजूद में आई. फिर समूद को भी हलाक कर दिया गया, तो फिर उनमें से जो अहले ईमान थे वो कहीं चले गए हिजरत करके, तो उनसे एक और कौम वजूद में आ गई. तो फरमाया जैसे तुम्हें भी हमने उठाया है और कौमों की नस्ल में से, इसी तरीके से हम तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएंगे. इन नमा तो अदून लात, जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है या धमकी दी जा रही है वो आकर रहेगी. वमान तुम बेमौजीन, और तुम आजिज कर देने वाले नहीं हो. अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, अल्लाह के ये वादे पूरे होकर रहेंगे. कुल या कौम मलू अला मकानतकुम इन्नी आमिल, अब ये है चैलेंजिंग अंदाज. कह दीजिए है मेरी कौम के लोगों, कर लो जो कुछ कर सकते हो अपनी जगह पर, मैं भी कर रहा हूं जो मेरे बस में है.
یعنی تم نے اب 12 برس گزر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے، تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مجھے ستایا، 3 سال تک تو مجھے شیب بنی حاشر میں محصور رکھا ہے، جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں کو تم نے ذبح کر دیا، میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے، تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا، اور جو کر سکتے ہو کر لو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو میرا فرض منصب ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ عاقبت والا گھر، کس کے لیے کامیابی ہے، کس کے لیے جنت الورا الورحان ہے، اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقینا ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے، کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا، بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا۔ جیسے ہندوؤں میں مہادیو وہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا بے شمار ہیں، مہادیو تو ایک ہی ہے۔ انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ اس کے لیے تو جو ہے کیپیٹل جی آئے گا، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی شینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، علا کل شائن قدیر، بے کل شائن علیم، اور ہر جگہ موجود ہے، یہ اس کی صفات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں۔ اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے، چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے، کچھ اختیار ہے، کچھ سفارش کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے، ان کی مٹھی چاپی کی جائے، ان کی کوئی خدمت کی جائے، انہیں خوش کیا جائے، ڈنڈوت کی جائے، تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے، اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے، یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی، کچھ اللہ کے نام کی، کچھ اپنے بتوں کے نام کی، یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ کی، اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے۔ لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا، وہ آگے دیکھیے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں، اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر، وھذا لشرکائنا، اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نگرانے ہونے چاہیے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اب اگر کہیں کسی وقت کوئی دقت آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے، اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے۔ بت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ تو دنیا کے اندر ہیں، لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی، اللہ تعالیٰ دور ہے، لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا، لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بےچارا جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے، وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے، کوئی بابو ہے آیا ہے شہر سے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا، انتقال چڑھا دے گا، لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے جو سر پر مسلط ہے۔ فما کان لشرکائہم، تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو۔ وما کان للہ، اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا تھا۔ سا ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کو قتل کرنا۔ اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیڑ چڑھانا، یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، دیوی کے نام پر بچے کو بھیڑ چڑھا دیا ہے، قربان کر دیا ہے، اپنی اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھاتے ہیں، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کریں، بولے یلبسوا علیہم دینہم، تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں۔ یہ دین کے تحت ہو رہا ہے، یہ قتل اولاد، بچوں کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے۔ ولو شاء اللہ ما فعلوہ، اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے۔ فذرہم وما یفترون، تو چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے ان کو، اور جو بھی افترا بازی یہ کر رہے ہیں۔ وقالوا ھذہ انعام وحرث حجر،
हर्सुन हिज्र, और उनका कि ये जो जानवर है और ये जो खेती है ये ममनू है। क्या मतलब ममनू का? ला यतअमुहा इल्ला मन नशा, इसको नहीं खा सकते मगर वही जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, जिसके बारे में हमारी राय में ज़ामिहिम, उनके अपने ख्याल में। वअनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, और ये जो चौपाए हैं इनकी पीठें जो है हराम कर दी गई, इनके ऊपर कोई सवारी नहीं कर सकता, इस ऊंट पर इस पर कोई सवार नहीं होगा। वअनआमुन ला यज़कुरून इस्मल्लाहि अलैहा, और कुछ ऐसे मुकर्रर कर लेते थे चौपाए जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जा सकता। यह है जो वहां आया था इससे पहले उस आयत मुबारका में कि क्यों क्यों मत खाओ उस चीज को जिस पर कि अल्लाह ताला का नाम न लिया जाए। यानी उनके यहां एक खास किस्म के तवहुमात जो थे मुश्रिकाना, उनमें यह भी एक रस्म थी कि कुछ हैवानात के बारे में वो तय कर लेते थे कि इनको जब जिबा करना तो अल्लाह का नाम हरगिज नहीं लेना, तो फरमाया उसको हरगिज मत खाओ, किसी शक्ल में भी उसके करीब मत जाओ। वो वहां था, यहां पर उसकी हकीकत खुल गई है कि यह खास मामला है, वह आम हुक्म नहीं है। इफ्तरान अलैह, और यह सब इफ्तरा अल्लाह ताला के ऊपर झूठ जड़ रहे हैं कि अल्लाह ने हमें बताया है। सैयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, करीब उन्हें सजा देगा उसकी जो इफ्तरा और यह जो इन्होंने चीजें घड़ ली हैं। वकालू माफी बुतून हाजिर ननाम खालिसतुन लिज़ुकूरिना, और वो कहते हैं जो कुछ इन चौपायों के पेटों में है, अब एक ऊंटनी है, गाभन है या कोई और बकरी है, तो जो कुछ इसके पेट में है ये खास है हमारे लिए, खालिसतुन लिज़ुकूरिना, ये हमारे मर्दों के लिए है। वह मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, हमारी बीवियों पर जायज नहीं है उसका खाना, वो गोश्त हमारे लिए होगा सिर्फ मर्दों के लिए। वही यकुन मैतन, और अगर वो मुर्दा पैदा हो, मुर्दार पैदा हो, फहू फी शुरका, तो फिर वो खाएंगे, मर्द भी खाएंगे औरतें भी खाएंगी। सैयजज़ीहिम वस्फ़हुम, ये सारी चीजें जो है जो इन्होंने बयान करी, और कहते थे ये शरीयत पुरानी चली आ रही है, ये इब्राहिम के तरीके हैं, ये हमारे आबाओ अजदाद के तरीके हैं। अल्लाह ताला सजा देगा उनकी इन बयानात की और इन चीजों की जो इन्होंने घड़ ली है। इन्नहु हकीमुन अलीम, यकीनन वो हकीम और अलीम है। कद खसर नजीन कतलु औलादहुम सफ़म बगैर इल्म, अपने आप को बर्बाद किया उन लोगों ने जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया बेवकूफ़ी और हिमाकत से बगैर इल्म के। वहर्रमु मा रज़क़हुमुल्लाहु इत्रान अलल्लाह, और उन्होंने हराम कर ली अपने ऊपर वो शय जो अल्लाह ने उन्हें दी थी, और इफ्तरा करते हुए अल्लाह पर, यानी अल्लाह के नाम पर हो रहा है, ये कुर्बानियां दी जा रही हैं, बुतों की भेंट चढ़ाई जा रही है, वो सारा दीन जो है गड़बड़ का, उसमें अल्लाह भी है आलिहा भी है, सबके साथ जो है मुश्तरका मामला हो रहा है। कद वल्लू वमा कानू मुहतदीन, वो गुमराह हो चुके, भटक चुके, और वो हिदायत पर आने वाले नहीं है। वहुअल लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशातिन, वही है अल्लाह जिसने के उठाए बागात, मारूशातिन वगैरह मारूशातिन, वो बाग भी होते हैं वो बेलें जैसे अंगूर की होती है, टट्टियों पर उठाना पड़ता है, उनको सहारा देना पड़ता है, खुद उनके अंदर तना ऊपर जाने का उसकी फितरत में नहीं है। गैर मारूशातिन, ये आम दरख्त है, वो खुद खड़े होते हैं, अपनी अपनी यानी रीढ़ की हड्डी उनकी अपनी मजबूत है, वो खड़े हैं, अनार का दरख्त है, आम का दरख्त है, तो मारूशात वो है कि जिनको टट्टियों पर चढ़ाना पड़ता है। वह नखला, और खजूर के दरख्त, व जरा, और खेती, मुख्तलिफन उकुलहु, जिसके के जायके बड़े बड़े मुख्तलिफ हैं। वह जैतून, और जैतून, व रुमान, और अनार, मुतशाबिहन वगैरह मुतशाबे, एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, और ये के जरा एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, जैसे सिट्रस फैमिली है, अब एक ही खानदान है, अब उसमें किन्नू भी है, उसमें फ्रूटर भी है, उसमें वो माल्टा भी है, और सारी चीजें जो है लेकिन मिलते जुलते भी हैं, मुख्तलिफ भी हैं, फैमिली एक ही है। कुलूम इन समर ही दास मरा, खाया करो उसके फलों में से जबकि वो फल दें। वह आतू हक कहू यौम हसा दे, और उसका हक दे दिया करो जिस दिन के तुम फल उतारो, यानी इसमें से भी जकात है, जैसे उश्र है जमीन की पैदावार में से, ऐसे ही फलों के अंदर भी जकात है, तो अल्लाह ताला का हक निकाल दिया करो, आतू हक कहू, अदा कर दिया करो उसका हक जिस दिन के वो फल उतारो। ला तुसरिफू, और इसमें बेजा खर्च ना करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला को बेजा खर्च करने वाले पसंद नहीं है। वमिन अनआम हमूलतन व फर्शा, और चौपायों में से उसने ऐसे भी बनाए हैं कि जिनके ऊपर तुम बारबरदारी का काम लेते हो, जाहिर बात है बारबरदारी उन्हीं की हो सकती है जो जरा ऊंचे होते हैं, अब घोड़ा है या खच्चर है, ऊंट है, ये हमूलतन है, ये जरा ऊंचे हैं, और उनके ऊपर जो है आप उनकी पीठों के ऊपर बोझ लाद कर ले जाते हैं। हमूलतन व फर्शा, कुछ ऐसे जो बिल्कुल जमीन से लगे हुए हैं, अब उनके ऊपर क्या आपने लादना है, बकरी पे क्या लाद देंगे आप, और इसी तरीके से छोटी छोटी जो चीजें हैं। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ये अल्लाह ने पैदा किए हैं, हमूला भी और फर्शा भी,
खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। समानियत आजवाज, अब ये बात कही जा रही है जो उन्होंने कहा था कि ये जो हैवानात हैं इनके पेटों में जो बच्चा है वो अगर जिंदा हो गया, वलादत हो गई तो सिर्फ मर्द खाएंगे, औरतें नहीं खाएंगी। हाँ, अगर मुर्दार पैदा हुआ, मर गया दौरान वलादत ही, तो फिर उसमें औरतें भी और मर्द भी शरीक हो सकेंगे। अब उसका जवाब दिया जा रहा है, समानियत आजवाज, ये 8 किस्म के चौपाए हैं जो तुम्हारे यहां आम तौर पर मौजूद हैं। मिनज़ान इस्नैन, भेड़ में से 2 नर और मादा, वमिनल माज़ इस्नैन, बकरी में से 2 बकरा और बकरी। कुल आज ज़करैन हर्रमा अमिल उन्सैन, आप इनसे पूछिए कि अल्लाह ने किसको हराम किया है, मुज़क्करों को हराम किया है या मुअन्नसों को हराम किया है। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सैन, या ये कि जो इनके रहम है इनके मुअन्नसों के, उन पे जो कुछ है उन्हें हराम, किसको हराम किया है। हराम अगर कोई शय है तो सबके लिए, और अगर हराम नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं। ये तुमने जो नए कवानीन बना लिए हैं वो कहां से ले आए हो, क्या उनकी सनद है। नब्बेऊनी बेईम इनकुन तुम साज़िकीन, मुझे बताओ किसी सनद के साथ, किसी हवाले से, अगर तुम सच्चे हो। वमिन इबिल इस्नैन, इसी तरह ऊंट में से भी 2 है नर और मादा। वमिन बकर इस्नैन, गाय में से भी 2 है, इनमें भी 2-2 है। कुल आज़ ज़करैन हर्रमा अमिल उन्सैन, पूछिए फिर इनसे उन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादाओं को हराम किया है। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सैन, या ये कि जो भी जो रहम है इनके मादाओं के, क्या उनके अंदर जो कुछ है उसे हराम किया है। अम कुंतुम शुहदा इज वस्साकुम अल्लाह बिहाज़ा, क्या तुम मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें ये कवानीन दिए और ये नसीहतें की और ये हिदायत दी। फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह कज़िबन, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर इफ्तरा करे, झूठ झूठ जड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे। लियुज़िल्लन्नास बिग़ैर इल्म, ताकि गुमराह करे वो लोगों को बगैर किसी इल्म और तहकीक के। इन अल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, यकीनन अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को राहयाब नहीं करेगा। कुल ला अजिदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रम अला ताइमिन, अब वो फिर वही कानून जो है, जो असल चीजें थी अरब में खाने पीने के लिए, जो गोश्त जिनका जानवरों को खाया जाता था, उनमें से किन चीजों को हराम किया है, यहां फिर उसको दोहराया जा रहा है। कुल ला अजिदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रम अला ताइमिन यतअमुहु, कह दीजिए मैं तो नहीं पाता उस शय में जो मेरी तरफ वही की गई है, यानी जो कुरान मेरी तरफ वही किया गया है, जो शरीयत मेरी जानिब वही की गई है, मैं उसमें नहीं पाता कि कोई और शय हो किसी खाने वाले पर हराम। मुहर्रम अला ताइमिन, खाने वाले पर, या तामहू जो उसे खाता हो, सिवाय किसके, इल्ला यकून बैतकन, सिवाय इसके कि मुर्दार हो। इस मुर्दार की मजीद तशरीह जो है सूरह मायदा में हम पढ़ चुके हैं, मुनखनिका हो, मुतरदिया हो, माकूजा हो, वो सब के सब किसी भी सबब से वो अगर मर गया है जानवर तो वो हराम हो गया। हां, उसके मरने से पहले कोई ऊंचाई से गिर गया है, लेकिन ये कि अभी जान है और आपने ज़िबह कर लिया है और खून निकल गया, वो जायज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पहुंचने से पहले, ज़िबह करने से पहले उसकी मौत वाकई हो चुकी हो तो वो मुर्दार में है, तो मुर्दार की कोई भी शक्ल हो वो हराम है। औ दमन मसफूहन, या खून हो बहता हुआ, यानी एक खून वो है कि जो चाहे कितना ही जोर आप लगा लें, कितना ही राइगर मॉर्टिस हो जाए, कितना ही तशन्नुज हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खून तो कहीं ना कहीं जिस्म में रह ही जाएगा, वो हराम नहीं है। मतलब ये कि तिल्ली के अंदर खून रह जाएगा, कुछ ना कुछ जिगर में कुछ खून रह जाएगा, वो चीजें हराम नहीं है। लेकिन जो बहाया जा सकता हो खून, कि अगर आपने ज़िबह किया है तो खून बहाकर निकाल दिया जाए, अब ये खून जो है ये हराम है। औ लहमा खिंजीर, या ये कि सूअर का गोश्त हो, फइन्नहू रिज्स, इसलिए कि वो तो है ही नापाक, वो असलन नापाक है। और फिस्कन, या ये कि वो नाजायज शय हो, ओहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो, किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो, किसी और से तकर्रुब की नीयत पर वो उसकी कुर्बानी दी गई हो, चाहे वो नाम अल्लाह का लिया जा रहा हो लेकिन नीयत में अगर ये है, और जाकर किसी खास स्थान के ऊपर उसको ज़िबा किया है, किसी खास मकाम पर किया है, किसी खास कब्र पर किया है, तो जाहिर बात है कि दिल के अंदर तो चोर वही है। फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन, लेकिन इनमें से भी जो लोग मुस्तर हो जाए, मजबूर हो जाए, न तो उनके अंदर हद से बढ़ने की कोई, गैरा बागिन, न तो उसकी कोई तलब उनके अंदर हो, वला आदिन, न हद से ज्यादा बढ़े, सिर्फ जान बचाने के लिए थोड़ा सा इनमें से अगर कुछ खाकर जान बचाई जा सके तो इजाजत है। फइन रब्बका गफूर रहीम, तो यकीनन आपका रब गफूर है, बख्शने वाला और रहीम है, रहम फरमाने वाला। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्लज़ी ज़ुफ़र, और हमने
उन पर जो यहूदी हुए थे हराम कर दिया था हर वो जानवर जिसका एक खुर होता है। जानवर एक वो है जैसे कि गाय है, उनके ये पैर जो है वो फटे हुए होते हैं, और एक जानवर होता है जिसका खुर एक ही है, एक ही ना हो तो खुर वाले जानवर घोड़े का एक ही है, तो ये चीजें जो है वो उनके ऊपर हराम कर दी गई थी। बास चीजें थी कि जो असलन हलाल थी, लेकिन ये कि यहूदियों पर उनकी जो वो शरारतें थी उनकी वजह से जैसा कि हम पढ़ आए हैं बहुत सी चीजें उन पर हराम कर दी गई थी। वाललजीन हादू हरम नाकुल लजीज फोरिन, और हमने यहूदियों के ऊपर तो हराम कर दी थी हर एक नाखून वाले जानवर को। वमिन अल बकरे वल गनम हरम ना अलैहिम शुहूमहुमा, इसी तरीके से गाय और बकरी वगैरह में से भी हमने उस पर उनकी चर्बी जो है वो हराम कर दी थी। इल्ला मा हमलत ज़ुहूरहुमा, सिवाय इसके कि जो उनकी पीठ के साथ लगी हुई हो, पुठ के साथ जिसको हम कहते हैं लगी हुई है, अबिल हवाया या अंतड़ियों के साथ लगी हुई हो, औ मख्तलत बिअज़्म या जो हड्डियों के अंदर हो, तो ये जो है ये चीजें तो चर्बी की जायज थी उनके लिए, बाकी चर्बी जो है खुली वो उनके लिए हराम कर दी गई थी। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़यिहिम, ये हमने उन्हें सजा दी थी उनकी शरारत की बिना पर। यह मुस्तकिल आसमानी शरीयत का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह खास तौर पर उनके ऊपर तंगी की गई थी उनकी बाशरारतों की वजह से। फ़इन्ना लसादिकून, और हम जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। फ़इन कज़्ज़बूका, फिर अभी अगर ये आपको झुठला दे, फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया, तो कह दिए तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है, वो तुम्हें फौरन नहीं पकड़ रहा न फौरन मौजदा दिखा रहा है ताकि फिर तुम्हारी मोहलत खत्म हो जाए, उसकी रहमत का तकाजा यह है कि वो तुम्हें अभी और मोहलत दे रहा है। वला युरद्दु बासु अल कौमिल मुजरमीन, लेकिन यह कि जब उसकी पकड़ आ जाएगी, उसकी सख्त आ जाएगी, तो उसको लौटाया नहीं जा सकेगा मुजरिमों की कौम से। फिर जब वो आ जाएगी बात, इन नमत शरब में कल शदीद, फिर वो बड़ी सख्त पकड़ होगी और कोई उसका मुंह फेरने वाला नहीं होगा। सैयकूल लजीन अशरकू लौ शाह मा अशरकना वला अबाउना वला हर्रमना मिन शय, अन करीब कहेंगे ये मुशरिक लोग, अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे आबाओ अजदाद करते, ना हमने इन चीजों को हराम ठहराया होता जिन्हें तुम कह रहे हो कि हराम नहीं है और हमने खामखा हराम ठहरा दिया है। अल्लाह तो अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो हमें रोक सकता था, उसका इख्तियार था, वो हमें ये काम न करने देता। ये कठोरियां इंसान करता है। उल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजू हो लना, उनसे कहिए कज़ालिक कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह झुठलाया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, हत्ता ज़ाक़ू बासना, यहां तक कि उन्होंने हमारे अज़ाब का मजा चख लिया। उल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजू हो लना, आप इनसे ये कहिए कि क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है, कोई दलील है, कोई सनद है, किसी किताब में लिखी हुई चीजें ये मौजूद हैं जिन्हें तुम हमारे सामने पेश कर सको। इन तत्तबिउना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून, तुम तो सिर्फ पैरवी कर रहे हो ज़न्न की और अटकल पच्चों की बातें कर रहे हो, तो अब तुमसे हम क्या बात करें। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, कह दीजिए तो अल्लाह के हक में साबित हो चुकी है पूरी पूरी हुज्जत। अल्लाह ताला ने हर तरह तुम पर इत्माम में हुज्जत कर दिया, तुम्हारी हर बात को रद्द कर दिया, माकूल तरीके से तरह तरह से तुम्हें हर बात समझा दी है। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, यहीं से इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह देहलवी ने अपनी जो शोरा आफाक किताब है उसका नाम यहां से अखज किया है, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, अल्लाह की मुकम्मल हुज्जत। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, अल्लाह की तरफ से हुज्जत तुम पर पूरी हो चुकी, कायम हो चुकी। फलौ शाह लहदाकुम अजमईन, अगर वो चाहता तुम सबको हिदायत पर ले आता, उसके आने वाहिद में तुम्हें सबको अबू बकर सिद्दीक जैसा नेक बना देता, ये उसका इख्तियार था, लेकिन उसने रखा है मामला इस दुनिया का इम्तिहान के लिए। खलक अल मौत अवल हयात ले यब लोअकुम अय्युकुम अहसन अमला, ताकि तुम्हें आजमाए और जांचे। कुल हलुम्मा शुहदाकुम अल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रमा हाज़ा, कहिए जरा लाओ तो सही अपने वो गवाह जो ये गवाही दे सके कि अल्लाह ने इन चीजों को हराम किया है। कहां है पाक गवाह? कोई किताब गवाह है, कोई और चीज, कोई इल्मी सनद है? फइन शहीदु फला तशद माऊ, ऐ नबी फिर अगर ये कठोरियती पर उतर कर कहें कि हां हम गवाही देते हैं, आप उनके साथ गवाही मत दीजिए। वला तत्तब अहवाल लजीना कज़्ज़बू बिआयातिना, मत पैरवी कीजिए उन लोगों की ख्वाहिशात की जिन्होंने हमारी आयात को झुठला दिया है। वल्लज़ीना ला यूमिनूना बिल आखिरत हुम बिरब्बिहिम यादिलून, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वही है कि जो अपने रब के साथ दूसरों को बराबर कर देते हैं। ये पहली आयत जो थी सूरह मुबारक की, सुम्मल लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम यादिलून, इसी पर वो पहली आयत खत्म हुई थी, और यहां 150वीं आयत में फिर ये लफ्ज आ गया। ये लोग जो है फिर भी
जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, जिन्हें डर नहीं है अल्लाह के हुजूर में हाजिरी का, वो फिर जिसको चाहते हैं अल्लाह के बराबर कर देते हैं। قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, कहिए आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या चीजें हराम की हैं, किन चीजों को मोहतरम ठहराया है, क्या उसके अहकाम हैं। ये असल में यूं समझिए कि ये खुलासा है, वैसे यही मजमून तफसील से आएगा सूरह बनी इसराइल में, ज्यादा तफसील से हम वहां गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यह कि उन्हीं का जो सूरह बनी इसराइल में दो रुकुओं में आई है बात, वो यहां पर एक रुकू के अंदर उसका खुलासा है। लेकिन मालूम हो जाता है कि असल दीन क्या है। जैसे सूरह बकरा में जब मीसाक लिया गया बनी इसराइल से तो दीन की असल बुनियादें आईं, इसी तरह फिर सूरह निसा के अंदर वो मकाम आया था कि असली दीन क्या है, दीन की असल तालीमात क्या है। अब उससे जरा ज्यादा वसी पैमाने पर यहां आ रहा है और सबसे ज्यादा तफसील से असल किन चीजों की अहमियत है दीन में, वो आएगा आप सूरह बनी इसराइल के तीसरे चौथे रुकू में, उसी का ये खुलासा है। मां हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, आओ मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे रब ने क्या हराम किया। तुमने ये बकरी हराम की हुई है, ये ऊंट हराम किया हुआ है, ये उसको बुत के नाम पर है, इसका ये फला है, ये कोई शय अल्लाह ने हराम नहीं किया। आओ मैं बताता हूं तुम्हें अल्लाह ने किस शय को हराम किया है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैयन, नंबर एक सबसे बड़ी हराम शय, सबसे बड़ी उसकी का हुक्म पहला तो यह है उसके साथ किसी शय को शरीक न ठहराओ। नंबर दो, वबिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ एहसान, ये तीसरा मकाम आ गया कि हुकूकुल्लाह के फौरन बाद हुकूक वालिदैन का तस्करा है। वला तकुलू औलादकुम मिन इमलाक, और अपनी औलाद को कत्ल न करो तंगदस्ती और मुफलिसी के खौफ से, हमारा अपना पेट नहीं भर रहा, कैसे भरे, कैसे पाले इनको। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं उन्हें भी देंगे। नंबर चार, वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और देखो बेहयाई के कामों के करीब भी मत जाओ, ख्वाह वो खुफिया हो और ख्वाह वो ऐलानिया हो। वला तक्तुलु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिलहक, और मत कत्ल करो उस जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है मगर हक के साथ। इंसानी जान ली जा सकती है कत्ल अमत के बदले में कत्ल हो, या कत्ल मुर्तद है, या जानी मुसलमान हो, जानी वो शादीशुदा जानी या जानिया मर्द या औरत उसका है, या फिर हरमी काफिर कातिल जिसको कि कत्ल किया जा सकता है। बाकी चीजें कत्ल की जो है वो शरीयत में जायज नहीं है। वह अल्लाह ताला ने इंसानी जान को मुहतरम बनाया है। इल्ला बिलहक ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये है जिसकी अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है, ये है असल चीजें, ये है बुनियादें, ये दीन की, तमद्दुन की, अखलाक की, ताकि तुम अक़ल से काम लो। वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन, देखो माल यतीम के माल के करीब मत फटको मगर बेहतरीन तरीके से, एहतियात से, उसका माल हड़प नहीं करना है, अपना रद्दी माल उसके बाल में डालकर और उसका अच्छा बाल जो है नहीं ले लेना है। वो सारे हम पढ़ चुके हैं जो तफसील आ चुकी है, ये तो मक्की दौर की बातें हैं, मदनी दौर में भी बात आ चुकी है इसकी। हत्ता यबलुगा अशुद्दा, उसके बाल की हिफाजत करो यहां तक कि वो अपनी पूरी बुलुगत को पहुंच जाए, समझ को पहुंच जाए। वह औफुल कैल वल मीजान, जब नाप के दो तो पूरा दो, जब तोल कर दो तो पूरा दो, बिलकिस्त अदल के साथ, इंसाफ के साथ। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे किसी भी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक, यानी बगैर किसी इरादे के कोई कमी बेशी हो जाए, आपका इरादा नहीं है लेकिन यह कि कहीं कोई कमी हो गई है तो वो बात दूसरी है। रब्बना ला तो आखिज़ना इन नसीना वख्ताना, अगर हम भूल गए हों, चूक गए हों तो हमसे अल्लाह वाखजा न कीजो, लेकिन यह कि जानबूझकर, तो अगर जरा सी ये जो है डंडी मारी है तो यह भी जरा हकीकत इस बात का सबूत है कि तुम्हें या तो आखिरत का यकीन नहीं है या ये यकीन नहीं है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ईमान की नफी है जरा सी जुम्बिश के अंदर। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा कुल्तुम फ़ादलू, जब भी कहीं बात करो अदल की बात करो, इंसाफ की बात करो। वलौ काना ज़ा क़ुर्बा, खा किसी क़राबतदार का मामला हो उसमें कोई जानिबदारी नहीं होनी चाहिए। वह बि अहदिल्लाह औफू, और अल्लाह के अहद को पूरा करो, यानी जो भी अहद किया जाए अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के हवाले से, अल्लाह की कसम खाकर उसको पूरा करो। सबसे पहले तो जो अल्लाह से अहद किया, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, उसको पूरा करो। जो अहद कर किया था दुनिया में आने से पहले, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, उसको पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करू, ये है वो चीजें जिनकी अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है, ये चीजें हैं कि जो अहमियत की हामिल है, ये है इंसानी किरदार की अजमत की बातें। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत अख़्ज़ करो। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, और यह कि यह है मेरा सीधा रास्ता। ये एक पेज पगडंडियां और ये लंबी चौड़ी जो है वो जो तुमने बना रखे हैं अपने गोरख धंधे, ये नहीं है दीन, ये है।
وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، بس اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ، فتفرق بكم عن سبيله، کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں، ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، یہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے وہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے، تم سوا سبیل پر سیدھے راستے پر قائم رہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسی کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر، علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے دی تھی. وہ جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں در حقیقت انہی کا جو خلاصہ ہے، قرآنک ورژن آف دی ٹین کمانڈمنٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں ملیں گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے، ان کا یہ قرآنک ورژن ہے، یہ ہے در حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں. تو یہاں بھی فرمایا پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، تماماً علی الذی احسن، پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے محسنین کے لیے، وہ تفصیل لکل شعین و ہدم و رحمت، اور ہر شے کی تفصیل پر مشتمل، اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے. وہ ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مبارکن بڑی بابرکت ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارکن فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو. واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا، مبادہ تم یہ کہو، بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے، ان تقولوا ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو دیکھو آ گیا ہے بشیر و نذیر، ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دیا ہے. یہ بات کہی گئی کن سے؟ وہاں اہل کتاب سے. اب یہاں مشرکین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب تو دی گئی تھی دو گروہوں کو ہم سے پہلے، یہودیوں کو دی گئی کتاب، جو عیسائیوں کو دی گئی، ہمیں تو دی نہیں گئی، ہم سے مواخذہ کا آئے گا، ہم سے پوچھتا کس بات کی؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی، وان کنا عن دراستہم لغافلین، ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہمیں کیا پتا عبرانی زبان، ہماری عربی زبان، ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں، ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، ہم پر کوئی محاسبہ نہیں ہونا چاہیے. اور تقولوا، یا تم یہ کہتے، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی، لکنا اہدا منہم، دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے، ان بے وقوفوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی، تورات کی اور انجیل کی، ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو اے مشرکین عرب، اے بنی اسماعیل، تمہارے پاس آ گئی ہے بینۃ تمہارے رب کی طرف سے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وہ بینہ آ گئی ہے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی و رحمت، اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے پہلو چرائے، پہلو تہی کرے، کرنی کترائے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کرنی کتراتے ہیں، سوء العذاب بما کانوا یصدفون، بہت ہی برے عذاب کا ان کے اس کرنی کترانے کے باعث. ہر جم ضرور اللہ تعطیم الملائکۃ و یاتی ربک و یاتی باغ و آیات ربک، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے. یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے، اسی زمین پر حساب کتاب ہونا ہے. جا ربک والملک صفاً صفاً وجیء یومئذ بجہنم، تو یہیں پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا، اور یہیں پر فرشتے پڑے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور یہیں پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك، یوم یاتی بعض آیات ربك، جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها، پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہو. یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے، امتحان تو اس وقت تک ہے،
गैब का पर्दा हटा दिया, इम्तहान खत्म हो गया। फिर तो कट्टर से कट्टर जो काफिर है वो सबसे बढ़कर आबिद ज़ाहिद बन जाएगा। लिहाजा यौम याती बादु आयात रब्बिका ला यन्फाउ नफ्सन ईमानुहा, किसी जी को किसी जान को फायदा नहीं पहुंचाएगा उसका ईमान लाना। लम तकुन आमनत मिन कब्ल, जो पहले ईमान नहीं ला चुका था। औ कसबत फी ईमानहा खैरा, या उसने अपने ईमान में कुछ खैर नहीं कमा लिया था। ईमान भी ले आया था पहले, कुछ नेक अमल भी किए थे, कुछ खैर कमाया था, कुछ भलाइयां जो है उसका तोशा जो है वो जमा कर लिया था। कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, तो ठीक है नबी कह दीजिए इनसे तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तेल देखो तेल की दाढ़ देखो, अब अल्लाह का क्या फैसला होता है, इंतजार करो। इन्ना लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियान लस्त मिन्हुम फी शय, ऐ नबी जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े कर दिए और वो ग्रोहों में तकसीम हो गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये वही वहादत अदियान जिससे ऑफ शूट हुई है, एक ही जड़ थी, कान नास उम्मतम वाहिदतन, लेकिन फिर लोग ऑफ शूट जो हैं वो पगडंडियां ले गए इधर और उधर। अब जो लोग इस तरीके से सिरात मुस्तकीम से मुनहरिफ होकर उन्होंने अपनी अपनी पगडंडियां अलहदा बना ली हैं, अब ऐ नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। लस्त मिन्हुम फी शय, इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के हवाले है, अल्लाह फैसला करेगा। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफअलून, फिर उन्हें जितला देगा जो कुछ के वो करते रहे थे। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा उसे उसका 10 गुना अजर मिलेगा। वो मन जा बिसय्यति, और जो कोई बदी कमा कर आएगा, फला युज्जा इल्ला मिस्लहा, तो उसे नहीं सजा मिलेगी मगर उसके बराबर। यह अल्लाह का फजल है कि बदी की सजा जितनी बदी है उतनी है, लेकिन नेकी की का बजा जितनी चाहे वो दे, 10 गुना दे, 700 गुना दे, उससे भी आगे। वल्लाह युज़ाइफ़ लिमन यशा, और दुगुना चौगुना करे। वहुम ला युज़लमून, लेकिन किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी की हक तलफी नहीं होगी। कुल इन्नी हदानी, अब ये दो आयतें जो आ रही हैं कुल की बहुत ही अहम है, याद रखनी चाहिए हर एक को। कुल इन्नी, अब किससे खिताब हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से। आपने देखा कितनी 20 रुकुओं पर मुश्तमिल सूरत या अय्युहल लज़ीन आमनू का लफ्ज एक दफा नहीं आया। हां जहां जहां बीच बीच में खिताब है मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुफ्तगू हो रही है हुजूर से, हुजूर की वसातत से तमाम अहले ईमान भी मुखातब है, लेकिन सराहत के साथ खिताब जो है या अय्युहल लज़ीन आमनू वो नहीं। कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, काश कि हम में से हर शख्स ये कह सके, कहेगा तभी जबकि अल्लाह की राह हिदायत को इख्तियार करेगा। कहो मेरे रब ने तो मुझे हिदायत दे दी है सीधी राह की तरफ। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिन्हु, कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम दीनन कियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा, वो दीन है सीधा कायम, और वो मिल्लत है इब्राहिम की यकसू होकर। वमा कान मिनल मुश्रिकीन, और यकीनन इब्राहिम मुश्रिकों में से नहीं थे। कुल, फिर दूसरा कुल आ गया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, कहो मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, और जैसे मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ये कहने के हम काबिल हों, जिंदगी वक्त करें, तय कर लें कि जीना है अल्लाह के लिए, मरना है अल्लाह के लिए, ठीक है जिंदगी की जरूरियात हैं, जरूरियात की हद तक आदमी अपना वक्त अपनी सलाहियत कुछ उसमें भी लगाए, लेकिन यह ना मालूम हो कि असल शय यह है और दीन को सिर्फ जमीमा बना रखा है, बल्कि मालूम हो कि असल शय यह है, जीना मरना उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना अल्लाह के लिए है। अलबत्ता यह कि जरूरत के तहत जो भी इंसानी लाजमी जरूरियात हैं उनके लिए कुछ ना कुछ वक्त जो है इंसान मजबूरन कहीं और लगा रहा है। वह बेजाले का उम्र तो, और मुझे तो इसी का हुक्म हुआ है, वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, और सबसे पहला फरमा बरदार मैं खुद हूं। कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बन, कहिए जरा उन लोगों की तरफ रूह सखन है, मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब मान लूं। अगैर अल्लाह अबगी रब्बन, अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब तलाश करूं। वह हुआ रब कुल ने शय, जबकि वो तो हर शय का रब है। वला तक से वो नकुल नफ्स इल्ला अलैहा, और नहीं कमाती हर जान मगर अपने ही ऊपर, जो भी बुराई कोई कमा रहा है जो भी है वो उसका बवाल उसी पर आएगा। वला तज़र वाज़िरतु विज़्रा उख़्रा, और नहीं उठाएगी कोई बोझ उठाने वाली किसी और के बोझ को। हर एक को अपनी अपनी गठरी उठानी है, अपना अपना बोझ उठाना है। ला तज़र वाज़िरतु विज़्रा उख़्रा, क्योंकि नफ्स का लफ्ज़ आ रहा जान,
कोई जान नहीं होगी किसी और जान के बोझ को उठाने वाली। हर एक को अपना बोझ, अपनी जिम्मेदारी, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना हिसाब किताब खुद देना होगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर तुम्हारे रब ही की तरफ तुम सबका लौटना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, और फिर अल्लाह तुम्हें जितला देगा जो कुछ जिन चीजों में भी तुम इख्तिलाफ करते रहे थे। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज, और वही है जिसने तुम्हें जमीन में खलीफा बना दिया। एक तो यह कि खलीफा उस्मानी में भी, कि जो खिलाफत हजरत आदम को दी गई अलैहिस्सलाम, तो वो पोटेंशियली तमाम इंसानों को दी गई है। और जो भी शख्स अल्लाह का मुती और फरमान हो, अल्लाह को अपना हाकिम और बादशाह मान ले, तो वो गोया कि उसकी खिलाफत का हकदार हो गया। इस एतबार से भी कि एक नस्ल के बाद दूसरी, एक कौम के बाद दूसरी उसके पीछे आने वाली, यह भी है। खलाइफल अर्ज, जैसे कहा गया जैसे तुम्हें हमने उठाया किसी और कौम की नस्ल में से, ऐसे ही तुम्हें हटाकर हम किसी और कौम को भी ला सकते हैं। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज वरफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ा बअज़िन दरजात, और तुम में से बाज के दर्जों को बाज पर बुलंद कर दिया। किसी को इल्म दिया है, किसी को हिकमत दी है, किसी को कुछ ज़हानत ज्यादा दी है, किसी को जिस्मानी सलाहियत ज्यादा दी है, जिस किसी को सेहत जिस्मानी दी है, और किसी को हुस्न जिस्मानी दे दिया है। मुख्तलिफ चीजें हैं, ले यबलुवकुम फीमा आताकुम, ये मुख्तलिफ बख्शिशें अल्लाह की और मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ने जो मुख्तलिफ लोगों को दी है, ये इसलिए ताकि तुम्हें आजमाए। ले यबलुवकुम, बला यबलु आजमाना, जांचना, इब्तिला इसी से बाब इख्तियाल है, इम्तिहान इब्तिला। इन रब का सरीउ निकाब, यकीनन आपका रब अजाब देने में भी बहुत जल्द है। इन्नहु लगफूर रहीम, और यकीनन वो गफूर और रहीम है। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल अज़ीम, व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात वज़िक्र अल हकीम।